अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। आज हमने किया है नाश्ते का आगाज़ मिल्क शेक से, मैंगो मिल्क शेक से। सुबह सुबह मैंने बच्चों को पहले मैंगो मिल्क शेक बनाकर दिया था। उसके बाद तकरीबन दोपहर में अचानक से जी आ गई थी सिस्टर उनके घर की, क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट नहीं थी आज पूरा दिन, शायद उनकी आनी नहीं थी तो वो चली गई। तो हमने कहा चलो जल्दी से फिर उनके लिए कोरमा बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर कहा था कि जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ जी। उन्होंने इम्तियाज़ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, फिर एक मैंने कहा चलो झटपट बना के जाऊँ ताकि वापस आके बनाना ना पड़े। तो यहाँ जी फिर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा प्याज लेके मैंने ब्राउन कर लिया था, ब्राउन करके प्याज को निकाल लिया था। फिर इसमें मैंने डाला है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, साथ मैंने चिकन डाली। चिकन डाल के हमने इसे थोड़ा सा इतना पकाया कि थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो गया। उसके साथ ही योगर्ट डाल के मैंने जी योगर्ट डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, स्लो फ्लेम कर दिया, तो उसी में हमारा जी वो चिकन जो है बिल्कुल गल जाएगा। ठीक है जी। उसके साथ ही जो मैंने प्याज ब्राउन किया था उसको मैंने इसमें चॉपर के इसमें बॉक्स में डाल के इसमें मैंने प्याज डाला, और इसी में मेरे पास तकरीबन जो बादाम थे, एलमंड थे, वो मेरे पास क्रश हुए हुए पड़े थे, तो मैंने उन्हीं को जो है थोड़ी देर डिप कर दिया था। तो उसके बाद मैंने इसी में डायरेक्टली डाल दिया और डाल के मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। और बादाम डालने से यह कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोरमा बन जाता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो वो फिर मैंने इसमें मिक्स कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा पका लिया इतना कि थोड़ा सा ये जो हमारा कोरमा है वो ऑयल छोड़ देगा और उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए जी हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोरमा हो गया था जी रेडी। तो फटाफट झटपट रेडी किया था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। यहाँ जी जामिया आ गई थी। जामिया माशाल्लाह बच्चों को देख के बहुत खुश होती हैं अपने भाइयों से मिलके। हम भी जिस दिन वो आती है तो ऐसे लगता है जैसे ईद हो गई हो हमारी, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो उसके साथ ही मैं सिस्टर को कह रही थी कि जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि वापस भी आना था। तो हमने फटाफट फिर पहले मैंने उनको चाय बना के दी, साथ हस्बैंड को जी मैंने नाश्ता बना के दिया। उन्होंने कहा मुझे स्लाइस गर्म कर दो, उनकी शाम को दिन होता है क्योंकि वो ज़रा लेट उठते हैं, काफ़ी लेट उठते हैं। तो यहाँ मैंने सिस्टर को और हस्बैंड को चाय बना के दी, हस्बैंड को नाश्ता दे दिया। नाश्ता बनाने के बाद मैं फटाफट जी हो गई रेडी। उसके साथ ही जी आज मैंने बनाया था देसी घी। देसी घी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर कंप्लीट रेसिपी आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देसी घी बनता है, घर में बनता है और बहुत ही A1 बनेगा। आप मेरी दी हुई रेसिपी आप चैनल पर सर्च कीजिए और वहाँ से सारी रेसिपी देखें, इंशाल्लाह आपका जो देसी घी है वो A1 इसी तरह से ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ठीक है जी, यहाँ मैंने देसी घी बन गया था। देसी घी में से जो छाछ बची थी उस छाछ का जी मैंने ये बना लिया था हलवा। तो ये जो छाछ होती है इसका जो हलवा बनता है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे छोटे वाले बेटे को, हमें तो बहुत पसंद है ये जी। उसका मैंने हलवा बना लिया था, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके साथ ही जी अब हम हो गए थे जी रेडी, अब हम जा रहे थे जी इम्तियाज़ की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ से हम निकल आए जी इम्तियाज़ जाने के लिए। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत सुकून था। तो हम ऑटो का वेट कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड तो लेके नहीं जा रहे थे, उन्होंने ऑफिस जाना था, उन्हें काम था, तो फिर हमने ऑटो पे ही चले गए। हम लोग पहुँच गए जी इम्तियाज़। इम्तियाज़ से जी लेनी थी हमने, सिस्टर ने करनी थी ग्रॉसरी, तो उन्हें ग्रॉसरी वगैरह करवाई है। यहाँ पे काफ़ी आज मौसम बहुत अच्छा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन बाद जो कराची में हवा चल रही थी, लेकिन बहुत दिन से बहुत गर्मी हो रही थी। तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाया करें। और इसके साथ ही जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू सो मच सपोर्टिंग के लिए और उनका इतना साथ देने के लिए, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर किया हुआ उन्होंने चैनल को, और हर वक्त वो मेरे साथ रहते हैं और उनकी वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सपोर्ट मिलती है, जिससे हमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए और ज़्यादा हमारा अच्छा मोटिवेशनल हमें सपोर्ट मिलती है कि हमें खुशी होती है वीडियो बनाते हुए कि आप लोग इतना साथ देते हैं। तो इसके साथ ही जी हमारी ग्रोसरी हो गई थी जी कंप्लीट। इम्तियाज़ में इतना रश नहीं था क्योंकि मंथ का एंड चल रहा है, तो इतना शुक्र है रश नहीं था। तो हमने बड़ी आसानी से ग्रोसरी कर ली फटाफट। जामिया को हम घर पर ही छोड़ गए थे बड़े भाई के साथ। तो इसके साथ ही फिर बाहर आए, तो बाहर रात में बड़ा काफ़ी रश हुआ हुआ था। तो इसके साथ ही फिर हम जी घर आ गए थे। घर आके फिर हमने फाइनली जो चाय वगैरह दोबारा से बनाई। तो इम्तियाज़ से हमने आते हुए खाने पीने की चीज़ें ले आए थे, वहीं से हमने ख़रीद ली थी क्योंकि अब टाइम नहीं था बनाने का, तो काफ़ी लेट हो गए थे। मैंने कहा पहले भी सादी चाय पिलाई, तो हमने फटाफट फिर वहाँ से डोनट ले लिए थे, बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे, समोसे ले लिए थे। तो बहुत अच्छे थे, मज़ेदार था इनका टेस्ट ना।
आप भी चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ के समोसे आज इतने ख़ास नहीं थे, लेकिन बाकी सब चीज़ें एवन थी। तो साथ ही हमने चाय वगैरह बना ली सिस्टर को, हमने फिर ये पहले हमने खा लिया। लेकिन ये खाने के बाद जो है हमारा खाने के बाद हमारा पेट यानी काफ़ी फुल हो गया था। ये चीज़ें खाने के बाद वाकई भूख ही नहीं लगी, क्योंकि हमने ये भी तकरीबन 10 बजे खाया था, 9-10 बजे का टाइम था उस टाइम पे हमने खाया था। तो उसके बाद फिर जो है लेट हो गए थे हम लोग, तो रात में तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था जिस टाइम जी हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। तो खाना खाते ही वो भी झटपट खाया था, क्योंकि सिस्टर के हस्बैंड आ गए थे उन्हें लेने के लिए। तो उन्होंने भी बताया नहीं आज कॉल करके पहले कि मैं आ रहा हूँ, वो एकदम से आ गए। तो हमने वो खाना भी बीच में फिर हमने फटाफट खाया, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। तो इसलिए फिर उसकी वजह से मैं वीडियो बनाना ही बीच में इससे मिस हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा, झटपट एकदम हो गया। चीज़ें समेटनी थी, उनकी पैकिंग वगैरह जो ग्रॉसरी लेकर आई थी वो सब सेट करके देना था, तो वो सारा व्लॉग मैं बनाना भूल गई। फिर ये कि जी उन्हें खाना वाना खिलाया, खिला के वो जी चली गई अपने घर। तो ये साथ ही मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि इम्तियाज़ के में क्या क्या था। यहाँ पे जो है जी जो मेकअप आइटम है वो भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था, और ये जो मास्क है इनका रिज़ल्ट भी आपके साथ मैं आने वाली वीडियो में शेयर कर दूँगी। ये दो मास्क लिए थे सिस्टर को मैंने लेके दिए थे, मैंने भी इसी तरह यही लिए थे। तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको शेयर करूँगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए। और इसके साथ ही जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।